हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? देखिए, केयरिंग फॉर द ओल्ड, इंडिया मस्ट अट्यून इट्स पॉलिसी टू इंश्योर द एल्डरली लाइफ अ लाइफ ऑफ डिग्निटी। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या है यहाँ पे आर्टिकल? लाइफ ऑफ लाइफ विथ टू लिव अ लाइफ विथ डिग्निटी यहाँ पे बात हो रही है। अ गुड पार्ट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ग्रोइंग ओल्डर एंड इंडिया मिरर्स दैट ट्रेंड्स एज वेल। तो इंडिया में भी ये ट्रेंड होगा। द रियलिटी अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड्स इंडियन एजिंग रिपोर्ट 2023, इंडियन एजिंग रिपोर्ट है, इज दैट पॉपुलेशन अबाउट 60 ईयर्स विल डबल फ्रॉम 10.5% टू 14.9 करोर, और डबल फ्रॉम 10.5% और 14.9 करोर एज ऑन जुलाई 2022 टू 20.8% और 37। तो आप यहाँ पे देखिए, तुरंत डबल हो रहा है, ये चीज़ें डायरेक्ट डबल हो रही है। 15 करोर से आप देखिए 35 करोर पे जा रहे हैं हम लोग, और आप देखिए 10.5% से 2.8 जाएंगे बाय 2050। अभी ये 2022 का डेटा है, और ये रिपोर्ट है आपका इंडियन एजिंग रिपोर्ट 2023। किसने किया? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का ये रिपोर्ट है, ठीक है। विथ 1 in 5 इंडिविजुअल सेट टू बी अ सीनियर सिटीजन, देयर विल बी इम्प्लीकेशन ऑफ फॉर हेल्थ, इकोनमी एंड सोसाइटी। इन केरला एंड वेस्ट बंगाल फॉर इंस्टेंस, देयर इज अ ग्रोइंग पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली हु लिव अलोन एज चिल्ड्रन migrate for better opportunities with life expectancy increasing thanks to better ways to fight disease and decreasing fertility rate in many countries including India. There are challenges in nurturing and expanding elderly population within this macro phenomena. There are myriad and other data of importance. For instance, women elderly citizens outnumber their male counterparts. At 60 years, a person in India may expect to live another 18.3 years, which is higher in case of women at 19 year compared to men at 17.5 year. तो यहाँ पे बताया जा रहा है वुमेन ज़्यादा जी सकती है, इसीलिए वुमेन की एज ज़्यादा रहेगी। इफ वुमेन इन इंडिया वेयर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज लो एट 24%, डू नॉट हैव इकोनॉमिक एंड सोशल सिक्योरिटी, दे विल बिकम मोर वल्नरेबल इन ओल्ड एज। जैसे बताया जा रहा है औरत वर्कफोर्स में पार्ट नहीं है, औरत का भी कमी है, तो वो बाद में उनके ओल्ड एज के लिए प्रॉब्लम हो सकता है कि उनको पैसा कहाँ से आएगा, और खास तौर पर जब उनके हस्बैंड चले जाएं। यहाँ पे यही बात हो रही है। देर आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट इंटर स्टेट वेरिएशन। मोस्ट स्टेट्स इन साउथ रिपोर्टेड अ हायर शेयर ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन दैन द नेशनल एवरेज इन 2021, अ गैप दैट इज एक्सपेक्टेड टू वाइडन बाय 2036, वाइल स्टेट्स एंड हायर फर्टिलिटी रेट सच एज बिहार and Uttar Pradesh expect to see an increase in share of elderly population too by 2036. The level will remain lower than the Indian average. Overall, more than two-fifths of elderly are in poorest wealth quintile, ranging from 5% in Punjab to 47% in Chhattisgarh. Also, 18.7% of elderly do not have any income. तो आप देखिए, इतने बूढ़े लोगों के पास तो कोई income का source ही नहीं है। A high proportion of rural population is among the elderly and often economically deprived. To meet the challenge, physical and mental health, basic needs of food and shelter, income security and social care, whole of society approach is required. Geriatric care must be fine-tuned to their unique health care needs. There are several schemes targeting the elderly, but many are unaware of them to find it too cumbersome to sign up. The national policy of older person 1999 and the maintenance of welfare of parents citizen act 2007 lay down the care of elderly, but to ensure the senior citizen to live in dignity, public and private policies must also be more supportive environment. आप देखिए, यहाँ पे सिंपल से बात हो रही है कि जो इंडियन पॉपुलेशन विल ग्रो ओल्ड टू, आज हम लोग यंगेस्ट है, पर आज हम लोग 2023 में हैं। जब सबसे ज़्यादा यंगेस्ट है तो सबसे ज़्यादा ओल्ड भी होंगे, और ये बात कब की हो रही है? 2036 की मोस्टली हम लोग बात कर रहे हैं। इस समय आप देखिए 20 पॉइंट कुछ तो मान लीजिए, 20 मानिए या 21 मानिए, 21% ऑफ वर्कफोर्स, दैट इज 1/5 ऑफ वर्कफोर्स विल बी ओल्ड, ठीक है। और उसमें से आप देखिए 18% के पास तो कोई इनकम का सोर्स ही नहीं रहेगा। यहाँ पे
18 पॉइंट एल्डरली डू नॉट हैव एनी इनकम, ठीक है, 2036 टारगेट है। और आप देखिए वुमेन, जो वुमेन है आपकी 60 इयर्स पर्सन में एक्सपेक्ट टू लिव, 18.3 इयर्स 60 साल के बाद भी लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जीना। तो आप देखिए वुमेन का ये 19 है, आदमी का ये इतना है। तो जो वुमेन काम नहीं कर रही है, वुमेन मतलब ज़्यादा जी रही है, तो वुमेन जो कर रही है उसके पास फाइनेंशियल दिक्कत हो सकता है, सोशल प्रॉब्लम हो सकता है उस वुमेन को। तो यहाँ पे बस यही सब प्रॉब्लम बताया जा रहा है। अब 20.8% ये डेटा है जो 2022 का डेटा है, और ये डबल हो जाएगा 2050 तक। तो यहाँ पे बस सिंपल यही चीज़ है कि हमें बाकी सारी चीज़ें ख्याल रखना पड़ेगा। तो बाकी सारी चीज़ें क्या, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, ये हमारे एक्ट्स हो गए, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया। और यहाँ पे एक जगह बोला गया है कि होल ऑफ अ सोसाइटी का अप्रोच यहाँ पे जरूरी है, सिर्फ गवर्नमेंट या सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली सब लोग को करना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। एंड बस हमें ख्याल रखना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से डेवलप करना पड़ेगा कि हेल्थ इशू जो हो रहे हैं, एक्ट्स और प्रोविजंस गवर्नमेंट्स को कुछ ऐसे लाने पड़ेंगे, और इसके लिए हो सकता है कोई स्पेशल फंड या स्पेशल टैक्स या सेस गवर्नमेंट लगाए सबके ऊपर, कि इन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा इंडिया कहीं ना कहीं एक वेलफेयर अप्रोच लेके चलता है, ठीक है। कभी फंड्स की कमी हो जाती है तो नहीं हो पाती, नहीं तो हमारा अप्रोच तो वेलफेयर अप्रोच ही है। सो थैंक यू गाइज, एंड प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।